की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद से बंटी से सीबीआई की पूछताछ की जा रही है, आरोपी को पटना लाकर पूछताछ कर रही है टीम। बंटी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं, रॉकी से जुड़े सुराग की जानकारी दी है। 8 आरोपी से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। बंटी के घर से मोबाइल लैपटॉप जब्त किए गए हैं, जमीन और निवेश से जुड़े कागजात भी मिले हैं, सेटिंग से जुड़ी लेनदेन की जानकारी भी मिली है। सभी जानकारी की जांच की जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कई अहम दस्तावेज के साथ साथ बड़े सुराग भी हाथ लगे हैं। देखिए बिल्कुल, जो लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, 8 अभियुक्त हैं इस मामले में जिनसे पूछताछ कर रही है। इसी में एक बंटी भी है, अमित बंटी, जिनसे पूछताछ हुआ तो पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासा जो है बंटी ने किया है सीबीआई के समक्ष। और खासतौर पर जो रॉकी, जिसकी तलाश सीबीआई की टीम लगातार कर रही है, जिसके संदर्भ में ये भी बातें कही जा रही कि वो नेपाल में शरण ले रखा है, तो उससे जुड़ी हुई कई अहम जानकारी जो है वो बंटी ने दिया है सीबीआई को। और बताते ये भी चले कि जब सीबीआई की टीम इनके ठिकाने पर रेड करने गई थी तो इनके घर से मोबाइल लैपटॉप पासबुक के अलावा जमीन और निवेश से जुड़े कई कागजात बरामद किए गए हैं। और इसके संदर्भ में सीबीआई ये मान के चल रही है कि ये तमाम जो खुद संपत्ति है, चाहे वो चल हो या अचल हो, ये पेपर लिख करके ही जो धन अर्जित किया गया उसी से ये संपत्ति बनाई गई है, ये है वो अर्जित की गई है। तो इसके संदर्भ में भी आगे छानबीन करेगी सीबीआई की टीम। लेकिन फिलहाल जो रॉकी है या जो संजीव मुखिया है वो नेपाल में शरण ले रखा है, और कैसे वो फरार हुआ और क्या कोई जानकारी है बंटी के पास, इस संदर्भ में लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी पूछताछ के दौरान कई और खुलासे जो है वो बंटी कर सकता है। इसके साथ साथ अमन सिंह जो गिरफ्तार हुआ है उससे भी पूछताछ हो रही है। कुल 8 अभियुक्त जो है इस मामले में, उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ का सिलसिला आज चलेगा और इसके साथ जो खुलासे होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सीबीआई की टीम करेगी। अमित, खबर यह भी मिल रही है कि रॉकी से जुड़े सुरागों की जानकारी दी गई है, रॉकी के कहां होने की जानकारी मिली है, क्या रॉकी नेपाल में है जैसे पहले खबरें मिल रही थी? देखिए बिल्कुल, ये बातें सीबीआई के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी आई है, या पुलिस महकमे के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बात जो है अब तक प्रमाणित नहीं हुआ। लेकिन ये मान के चल रही है सीबीआई की टीम, या फिर जो इससे पहले जो बिहार पुलिस की जो जांच एजेंसी थी ईओयू, वो भी जो अनुसंधान की थी, तो उसमें ये बातें सामने आई है कि रॉकी और जो संजीव मुखिया, ये दोनों फरार हुआ है, नेपाल में शरण ले रखा है। तो उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो गैदर कर रही है सीबीआई की टीम। और इसी संदर्भ में जब रॉकी से जुड़े हुए जो मामले हैं, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो पूछताछ में बंटी ने बताया है कि वो कब से इस पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ है और कैसे पूरा उसका चेन ऑफ सिस्टम काम करता है। तो तमाम जो जानकारी है वो धीरे धीरे करके सीबीआई जो है वो उगलवा रही है बंटी से। और फिलहाल बंटी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो नेपाल में है, इंटरपोल से भी मदद लेने की बात सामने आ रही है, और जल्द ही इंटरपोल से मदद लेकर के नेपाल में जो सीबीआई की टीम है वो भी जा सकती है, आगे जान अनुसंधान कर सकती है। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पूर्णिया के रुपौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा होने वाली है। यहां वे आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्णिया रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे समय का कौन सा पुल गिरा है उसका पूरा डेटा दोनों डिप्टी सीएम साझा करें। उन्होंने पेपर लीक के साथ ही स्पेशल स्टेटस, बढ़ती महंगाई और आरक्षण के मुद्दे पर भी बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। का सरकार क्या विकास, और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल है, बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, बता दे। दूध का दूध, पानी का। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।